ये कहाँ रह गया है डिलीवरी वाला? पास से ही तो ऑर्डर किया है मैंने। अभी इसे कॉल करती हूँ। हेलो हेलो भैया, कहाँ रह गए हो? पास से ऑर्डर डिलीवर करने में इतना टाइम लगता है क्या? मैडम बस आ रहा हूँ मैं, वो मैं पैदल आ रहा था ना, तो बस इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था। पैदल आ रहे हो? अरे आपके पास साइकिल या बाइक नहीं है क्या? मैडम वो क्या है ना कि मैं, अरे भैया अगर आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो ये काम कर ही क्यों रहे हो, अपना और मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए? मैडम मेरी, अरे अब तो टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी ऑर्डर डिलीवर करो। ठीक है मैडम, बस 2 मिनट में पहुंचूंगा। 2 मिनट में आ रहा हूँ। इनके चक्कर में बैठे ना तो इंसान भूखा रह जाए। इतना टाइम हो गया, पता नहीं कहाँ रह गया ये। हेलो, अरे भैया कहाँ रह गए? मैं कितना कॉल कर चुकी हूँ आपको। मैडम मैं आपकी बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा हूँ, पर यहाँ आपकी लिफ्ट काम नहीं कर रही है। लिफ्ट काम नहीं कर रहा है? तो आप कहीं के नवाब हो जो आपको लिफ्ट से आने की जरूरत है? अरे सीढ़ियों से आ जाओ ना। मैडम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं सीढ़ियों से ऊपर नहीं आ सकता, आप प्लीज नीचे आकर ऑर्डर ले रहे हैं। आपका दिमाग खराब है क्या? अब आपका काम मैं करूंगी? नहीं, डिलीवरी बॉय का काम होता है कि जहाँ का एड्रेस हो वहाँ ऑर्डर डिलीवर करना, और मैंने एड्रेस में 5th फ्लोर लिखा है, तो चुपचाप 5th फ्लोर पर आओ। मैडम प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए, मैं मेरे रीजन से मैं नहीं आ सकता। हाँ मुझे पता है आप लोगों के बहाने कि धूप में काम कर रहा हूँ, थक गया हूँ, बीमार हूँ, यही ना? मैडम आप मेरी बात तो सुनिए। देखो ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप 5th फ्लोर पर आ जाओ वरना तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी मैं। के बहाने ही नहीं खत्म होते हैं। अरे भैया इतना टाइम। मैडम लीजिए आपका ऑर्डर। अब भैया आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपकी ये हालत है और आपने कुछ बताया भी नहीं। आप बता देते तो मैं ऑर्डर नीचे लेने आ जाती। रहने दीजिए मैडम, आपको मैंने कितनी बार बताने की कोशिश करी लेकिन आपने मेरी एक बार भी बात नहीं सुनी। आपको तो बस ये लग रहा था कि मैं बहाने दे रहा हूँ, काम चोरी कर रहा हूँ। अरे आपने तो मुझे मेरी कंप्लेंट करने तक की धमकी दे दी। आई एम रियली सॉरी, आप अंदर आइए मैं आपको पानी पिलाती हूँ, प्लीज़ आइए। रहने दीजिए मैडम, मैं आप जैसे लोगों के घर का पानी नहीं पी सकता जो किसी की मजबूरी नहीं समझ सकते। अरे मजबूरी छोड़ो, आप तो किसी की बात तक नहीं सुन सकती, मुझे और भी लोगों के घर ऑर्डर देने। भैया भैया आई एम रियली सॉरी, मुझसे जाने अनजाने में गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रहने दीजिए मैडम, और अपना ये दिखावे का सॉरी ना अपने पास रखिए। अरे आपको पता भी है कि मुझे यहाँ 5 मंजिल तक ऊपर चढ़ के आने में कितनी तकलीफ हुई है। आपने तो बस एक बार बोल दिया कि 5 मंजिल तक ऊपर आओ वरना कंप्लेंट कर दूंगी। आपने सोचा मेरी तकलीफ के बारे में? अरे आप क्या सोचेंगी मेरी तकलीफ के बारे में, आपने तो मेरी बात तक सुनना जरूरी नहीं समझा। तो मैडम अपना ये सॉरी अपने पास रखिए, चलता हूँ। और हाँ मैडम, आगे से कोई अगर आपको अपनी कुछ मजबूरी बताए ना या अपनी कुछ बात सुनाने की कोशिश करे तो सुन ले। क्या हो गया मुझसे, इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने। भैया। अरे मैडम आप फिर आ गए। देखिए मैडम मुझे आपका सॉरी नहीं चाहिए। भैया देखिए मुझसे जो गलती हुई है वो माफी के लायक तो नहीं है, पर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछिए। भैया आप देखने में पढ़े लिखे लगते हैं, पर फिर आप ये डिलीवरी का काम क्यों कर रहे हैं? मैडम 3-4 महीने पहले तक मैं एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में एज अकाउंटेंट जॉब करता था।
मेरा एक एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। उस एक्सीडेंट में मैंने अपना एक हाथ खो दिया और मेरा एक पैर खराब हो गया। फिर उसके बाद मैंने काम ढूंढने की बहुत कोशिश करी, सबने मुझे मेरी डिसेबिलिटी पे जज किया, किसी को मेरे एक्सपीरियंस और टैलेंट से कोई मतलब नहीं था। पर मैडम, घर चलाने के लिए कुछ तो काम करना था। बड़ी मुश्किल से जाके रेस्टोरेंट पे ये डिलीवरी की जॉब मिली, तब से बस यही कर रहा हूँ और इसमें भी बस पास के ही ऑर्डर ले पाता हूँ ताकि पैदल इस बैसाखी के सहारे से जाके इन ऑर्डर्स को डिलीवर कर दूँ। उसमें भी मैम कभी कभी एक आधा ऑर्डर लेट हो जाता है तो बस लोग ऐसे ही धमकियाँ देते हैं, कंप्लेन कर देंगे ऑर्डर टाइम पे लेके आओ। भैया, आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? आपके घर में कोई और कमाने वाला नहीं है। मैडम, मैं अपने घर में अकेला ही कमाने वाला। भैया, आप जैसे इंसान बहुत कम देखने को मिलते हैं जो इतनी मुश्किल समय में भी अपनी हिम्मत नहीं हारती। और आपकी इसी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए मैं आपको एक ऑफ़र देना चाहती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं मैडम, कैसा ऑफ़र? एक्चुअली भैया, मेरी एक बहुत बड़ी बुटीक है और उसमें मुझे आप जैसा ही एक ईमानदार इंसान चाहिए जो मेरे अकाउंट्स को हैंडल कर सके। तो क्या आप मेरे यहाँ काम करेंगे? लेकिन मैडम। भैया, मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो बहुत गलत किया, पर प्लीज़ आप मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। और आपको मेरे यहाँ आराम से बैठकर काम करना है और फिर आपको ये डिलीवरी का काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैडम, मैं देखिए भैया, आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको तरस खा के काम दे रही हूँ। ये काम आप डिज़र्व करते हैं और मैं बाकी लोगों की तरह आपको आपकी डिसेबिलिटी पर जज नहीं कर रही। प्लीज़ भैया। ठीक है मैडम। आप एक काम करिए, आप ये मेरा कार्ड रख लीजिए और कल से काम करने आ जाइएगा। शुक्रिया मैडम, मैं कल आता हूँ। चलता हूँ।